Hyundai ने आज अपनी AURA को भारतीय बाजार के लिए पहली बार दिखाया है कि यह देखने में कैसी लगी। नियोस बेस BS-6 इंजन्स के साथ पहली बार शोकेस की गई है। क्या क्या खासियत है इस कार के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जिस पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइसिंग भी, और साथ ही बताऊंगा कार के बारे में कुछ और खास इम्पॉर्टेंट बातें जो कि इस कार को यूनिक बनाती हैं। कार की लंबाई सब 4 मीटर यानी पूरे 4 मीटर कैटेगरी में है यह कार की लंबाई। चौड़ाई है 1680 mm और 1520 mm इसकी हाइट है, और यह 2450 mm व्हील बेस पर तैयार की गई। कार के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कुछ बताया नहीं गया ऑफिशियली, लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि 170 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए इस कार की। फ्रंट में आपको मिलते हैं डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प और फॉग लैम्प भी प्रोजेक्टर लैम्प में मिलते हैं आपको। साथ ही आपको बूमरैंग स्टाइल के DRL मिल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में कहा जाए तो रियर साइड में जो आप इस समय मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये जेड स्टाइल की आपको LED टेल लाइट मिलती है। देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, यूनिक लग रही है, कुछ अलग तरह का लुक लेके आ रही है कार, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद फ्रंट के मुकाबले या रियर एंड से कहीं ज़्यादा बेहतर लग रही है, गुड लुकिंग लग रही है। बाकी इस कार को भीतर से खोल के नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई हैं, जैसे कि इसके इंजन के बारे में। यह कार 3 तरह के इंजन के साथ आएगी। 1.2 लीटर का कापा BS-6 इंजन है जो देगा आपको ऑलमोस्ट 83 PS की पावर और 116 Nm के टॉर्क के साथ में। दूसरा इंजन डीजल इंजन है जो 1.2 लीटर डीजल इंजन है, यह 75 PS की पावर देगा आप 194 Nm टॉर्क के साथ। यह दोनों इंजन आपको 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT के साथ मिलेंगे। एक तीसरा इंजन अवेलेबल है जो कि 1 लीटर टर्बो चार्ज GDI इंजन है, और यह इंजन आपको देगा 100 PS की पावर, 175 Nm का टॉर्क, और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आएगा। एक और बड़ी बात कंपनी ने शेयर की वह ये कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ वह CNG का भी ऑप्शन आपको देंगे, यानी फैक्ट्री फिटेड आने वाली CNG वह भी डायरेक्ट लॉन्चिंग के साथ, तो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है सुनने में। कार की मजबूती के बारे में बात किया है तो कंपनी का कहना है कि उन्होंने 65% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यह कार कहीं ज़्यादा मजबूत और रिजिड बन जाएगी। अब अगर बात किया जाए कार के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो कंपनी का कहना है कि उन्होंने सीटों को इस ढंग से डिजाइन किया गया है ताकि आपको अंडर थाई सपोर्ट ज़्यादा मिले और सीटों की विड्थ भी आपको ज़्यादा फील हो और आप इसमें अच्छे से मैनेज कर सकें। अब बात करें आपको कि इस कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम क्या मिलता है, तो आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऑडियो कंट्रोल्स को एक ऐप के थ्रू। आपको MID में 5.3 इंच की TFT स्क्रीन मिलेगी जो आपको बहुत सारे फीचर्स भी देगी। कार में जो रियर व्यू कैमरा दिया गया है उसे आप फ्रंट में एज ए डिस्प्ले भी देख पाएंगे, यानी कार के मेन इंस्ट्रूमेंट पैनल में सिर्फ रिवर्स गियर लगाते समय नहीं, हमेशा आप उसका व्यू देख पाएंगे, जिससे कि हैवी ट्रैफिक में या पीछे कुछ सामान रखा हुआ है तो भी आपको पीछे का व्यू मिल सके, और हैवी ट्रैफिक में थोड़ा काम की चीज़ रहती है ये। अब और बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात किया जाए तो क्या वन फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट में फ़ीचर हैं, तो वायरलेस चार्जिंग, जिसके बारे में कंपनी ने काफ़ी कहा है कि उनके पास उन्होंने वायरलेस चार्जिंग जैसी फैसिलिटीज़ दे रखी गई है। और भी कुछ चीज़ें जो मैंने नोट कर रखी है वो ये, 15 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो कंपनी का कहना है वो ये स्मार्टफोन एक्टिविटी फैसिलिटी और ब्रॉन्ज कलर के इंसर्ट भी मिलेंगे आपको भीतर की तरफ। कार की लॉन्च डेट के बारे में अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कहा नहीं गया है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद जनवरी में किसी समय इस कार को लॉन्च किया जा सकता है, और उसी समय इसकी प्राइसिंग भी पता चलेगी, और हम यह उम्मीद रखते हैं कि प्राइसिंग इसकी 5,50,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 7,99,000 रुपीज़ तक जा सकती है। यह तो रही एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में बात, क्या यह मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगी? यह बात सच है कि एक्सेंट जो कि पहले से मौजूद है हुंडई के पास वह कंटिन्यू रहेगी आगे भी। हाँ, यह अलग बात है कि उसके टॉप एंड के कुछ वेरिएंट अब हटाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए यह मैं जरूर कह सकता हूँ कि कार
ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स दे सकती है, लेकिन क्या डिजायर को चुनौती देने के लिए तैयार है, यह तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है नई ऑरा के बारे में बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, हमें आपके कमेंट का हमेशा ही इंतजार रहता है। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको कैसी लगी लिखिएगा, अच्छा लगेगा। हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन मेरी मेहनत इग्नोर मत कीजिए, लाइक ही कर दो, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी नई नई कारों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया करता हूँ। हमेशा हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिखी हुई नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में, देखते रहिए। आस्क कार गुरु।